हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन ड्रमर कॉन्ग। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक डिस्कशन किया था कि मेरी डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग गया है एंड कंपनी में भी बात करूँगा कि क्या इशू हुआ है एंड ज़रूर उनका फीडबैक लूँगा इस चीज़ पे। सो मेरी कंपनी पे इस चीज़ पे डिस्कशन हुई थी एंड उन्होंने कहा कि श्योरली आप हमारे सर्विस सेंटर पे ले आइए, हम इसको ज़रूर ठीक करके देंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो रिप्लेस करके देंगे। आई वॉज़ फाइन विथ इट, बट उन्होंने कहा इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगेंगे एंड फ्रैंकली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी बाइक वहाँ ड्रॉप कर दूँ 3-4 दिन के लिए। सो एक बढ़िया जुगाड़ लगाया है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्क प्लेट से भी रस्ट रिमूव हो जाए तो ज़रूर ये चीज़ ट्राई करिएगा। मैं आपको पहले बिफ़ोर का फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है हमारा बिफ़ोर का फ़ोटो एंड अब मैं आपको आफ्टर का दिखाता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक जब मैंने उसे क्लीन कर दिया है। सो ऑल इट रिक्वायर्स, मतलब आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। मैंने एक दोस्त से ये उधार पे लिया है। सो इट्स अ चेन क्लिंजर, जो कि जनरली आप पीछे चेन में अगर जंग लग जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आई थिंक आपको हर कंपनी का मिल जाएगा। एंड दूसरा, एल्यूमिनियम फॉइल का जो पेपर होता है उसे मैंने फोल्ड करके एक बॉल टाइप बना दिया है, देख सकते हैं। बस इन्हीं 2 चीज़ों से हम आज का ये काम एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैंने यहाँ की मोस्ट प्रोबेबली सारी निकाल दी थी, मैं वीडियो थोड़ा लेट से शुरू किया था बनाना। सो आपको दिखा देता हूँ, अंदर की तरफ भी थोड़ा सा रस्ट था इसमें, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको रस्ट दिखेगा। सो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको क्लीन करके आपको बता दूँ कि किस तरह से होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि रस्ट एकदम क्लीन हो गया है इस पार्ट से एंड इट इज़ एज गुड एज न्यू। सो अगर आप अपना सर्विस स्टेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही चीप है और टाइम भी काफ़ी सेव होता है आपका। इट डजेंट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स पूरा डिस्क क्लीन करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरा फ्रंट बाहर की साइड से एंड अंदर की साइड से क्लीन हो चुका है।